गणेशपेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक दुकान के शटर को खोलकर डुप्लीकेट चाबी की मदद से चोरों ने दुकान में रखा सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर और 7.5 लाख रुपए का सामान लेकर फरार होने की जानकारी मिली है। जानकारी के अनुसार नंदकिशोर शालिकराम तिवारी गणेशपेट थाना अंतर्गत एक दुकान का डुप्लीकेट चाबी से शटर खोलकर 4,12,000 रुपए के कंप्यूटर आदि चोरी कर लिए जाने की जानकारी है। नंदकिशोर शालिकराम तिवारी 46 के घाट रोड स्थित रजत प्लाजा में कंप्यूटर, सीसीटीवी आदि सामानों की दुकान बताई जा रही है। माझी दुकान पायोनियर कंप्यूटर च्या नावाने आहे रजत प्लाजा मध्ये। 19 तारखेला रात्री 12 नंतर म्हणजे 20 तारखेला सकाळी चोरी झालेली आहे। आम्हाला 11:30-12 वाजता जेव्हा दुकान उघडलं तेव्हा माहित पडलं की चोरी झालेली आहे आणि आम्ही लगेच पोलीस मध्ये FIR दाखल केलेली आहे आणि क्राइम वाले तपास करत आहेत। त्यांनी म्हटलं आहे की 1-2 दिवसात निष्पन्न होऊन जाईल कोण अपराधी आहे, काय काय चोरी झाला आहे आणि आपली दुकान मध्ये किती लोक काम करते काय म्हणजे। 6 लोक काम करत होते, त्याच्याकडे 2 सोडून गेले, सध्या 4 लोक आहे आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचं काम आहे आमचं आणि युनिव्ह्यू कंपनीचा माल चोरीला गेलेला आहे। सध्या प्राथमिक अंदाजे एकूण किती माल चोरी झाला आहे? प्राथमिक अंदाजे 6-6.5 लाखाचा माल चोरीला गेलेला आहे। रात करीब 7:30 बजे उन्होंने शटर लगाकर दुकान बंद किए और घर चल दिए। अगली सुबह 11 बजे जब वे दुकान पहुंचे तो उन्हें शटर का लॉक खुला हुआ दिखाई दिया। उन्होंने भीतर जाकर सामान की जांच की तो सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर आदि गायब था। किसी ने डुप्लीकेट चाबी से शटर का लॉक खोलकर दुकान में प्रवेश किया था। उन्होंने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।